दिल्ली आबकारी रीति घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने समेत अन्य आरोपों में उनकी गिरफ्तारी की है। ऐसे में सवाल है कि आखिर वो क्या मामला है जिसमें दिल्ली सरकार में नंबर दो रहे मंत्री को जेल जाना पड़ा है। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंच रहा है। इस नीति में गड़बड़ी के मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के LG ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को CBI जांच की सिफारिश की। LG की सिफारिश के बाद CBI ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और केंद्रीय एजेंसी ने अब डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है।